प्रश्न यह है कि क्या कोई मशीन सचमुच बुद्धिमान हो सकती है। 1980 में एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन सर्ल ने इसे जांचने का एक परीक्षण बनाया। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई अवधारणा नहीं, समय समय पर यह विकसित हुई है। परीक्षण को कहा गया चीनी कमरे का तर्क। इसे जानते हैं आप, चीनी भाषा जानते हैं, पर आपका दोस्त नहीं। दोस्त कमरे में जाता है जहां प्रतीक और नियम पुस्तिका है। नियम के अनुसार प्रतीक का जवाब प्रतीक से दे। आप बाहर से दोस्त को चीनी भाषा में एक संदेश भेजते हैं। दोस्त को चीनी भाषा नहीं आती, लेकिन वह नियम पुस्तिका का पालन करता है। प्रतीकों से उसे एक पैटर्न दिखता है और वह जवाब देता है। जब आपको जवाब मिलता है तो आपको लगता है कि वह चीनी भाषा जानता है, लेकिन वह भाषा को समझे बिना केवल नियमों का पालन कर रहा है। इस टेस्ट का उद्देश्य यह दिखाना है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता दो अलग चीजें हैं। तो मशीन भले ही चीनी भाषा न जानती हो, लेकिन वह पैटर्न को पहचानना और उत्तर देना जानती है। शायद चीनी भाषा का यह उदाहरण व्यावहारिक ना हो, लेकिन सीरी जैसे AI वर्चुअल असिस्टेंट्स ऐसे ही बातचीत करते हैं। सीरी से चुटकुला या कहानी सब सुनते हैं, है ना? ये प्रणालियां हमारी भाषा को ऐसे बदलती है जिसे वे समझ सके। वे लगातार अपने डेटाबेस में खोजते हैं, पर वे वास्तव में हमारी भाषा को नहीं समझते। एक और उदाहरण लेते हैं। माना आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। नर्स आपसे कई प्रश्न पूछते हैं, कब से ऐसा महसूस कर रहे हैं? 0 से 10 के पैमाने पर कितना दर्द है? वे महत्वपूर्ण चीजों की जांच करेंगे और फिर डॉक्टर के सामने भी आप यही सब दोहराएंगे। इस प्रक्रिया में समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। इसलिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच अंतर जानकर प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। अब एक दूसरी स्थिति में डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचने पर एक AI सिस्टम इन सभी सवालों को पूछता है। वह प्रतिक्रियाओं का तेजी से विश्लेषण करता है, महत्वपूर्ण चीजों और दूसरे डेटा को लेता है। जब तक आप डॉक्टर से मिलते हैं, तब तक सिस्टम पहचाने गए पैटर्न के आधार पर पहले ही प्रारंभिक निदान दे चुका है। इससे प्रक्रिया सरल हो जाती है और डॉक्टर अधिक कुशलता से काम कर सकता है। यह प्रणाली एकत्रित डेटा के पैटर्न पर बुद्धिमानी से संचालित होती है और निदान और उपचार प्रक्रिया में तेजी लाती है। तो ज्ञान और बुद्धिमत्ता जुड़े हो सकते हैं, पर दोनों मौलिक रूप से अलग हैं। ज्ञान का अर्थ है दुनिया समझना, जबकि बुद्धिमत्ता का अर्थ है उस ज्ञान को नए और अभिनव तरीकों से लागू करना। पर प्रोग्रामिंग कैसे चलती है? कैसे AI पैटर्न को पहचानता है, भविष्यवाणियां करता है और पिछले अनुभव से सीखता है? जवाब है डेटा।